नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ गिरेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे हम यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज सुबह कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है और आज कम्युनिटी बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए जो अच्छा मुनाफा कमा के दे, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पर नॉन एग्री कम्युनिटीज में सोने और चांदी से। तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि आज वही नरमी वाला रुख देखने को मिला है जैसे हमने कल की कारोबारी सत्र में आते हुए देखा था। $1834 के करीब गोल्ड इस समय इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में ट्रेड करता नजर आ रहा है। चांदी की बात करें तो चांदी के भी जो प्राइसेज हैं उनमें भी कोई ज्यादा खास बढ़त देखने को नहीं मिली है। वही नरमी वाला रुझान चांदी में भी है, $21.4 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर हाई वॉलीटिलिटी देखने को मिल रही है जब से US फेडरल रिजर्व बैंक ने अपनी ब्याज दर में बढ़ोतरी की है और RBI ने रेपो रेट बढ़ाया है। तब से देख रहे हैं कि सोने चांदी की कीमतों में एक नरमी देखने को मिली है, उठापटा का ही है। दूसरा, अभी डॉलर के जो प्राइजेस हैं बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली है जिसकी वजह से जो गोल्ड सिल्वर के जो दाम है उनमें यहाँ पर नरमी आते हुए हमने देखी है। तो गोल्ड सिल्वर में जो नरमी आई है इस सिचुएशन में मुनाफे की रणनीति क्या होनी चाहिए, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MCV पर। जी शुक्रिया। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड और सिल्वर में लगातार गिरावट का दौर ही देखने को मिल रहा है। रिकवरी के बाद भी यहां पर गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस स्लिप होते नजर आए हैं। डॉलर में भी हमने देखा है कि भारतीय रुपया काफी ज्यादा लुढ़क चुका है डॉलर के मुकाबले। तो ऐसे में अब सोने में क्या अभी यहाँ पे और गिरावट आने की आशंका है? क्या गोल्ड यहाँ से $1800 के भी नीचे लुढ़क सकता है? देखिए, अभी जो सोना है वो दरअसल जो फेडरल रिजर्व और अदर जो सेंट्रल बैंक है उनके द्वारा जो रुख अपनाया जा रहा है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि लगातार सोने के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती नजर आ रही है। इन्फ्लेशन इस टाइम पर सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है जिसकी वजह से जो है सेंट्रल बैंक की तरफ से इंटरेस्ट रेट को हाई किया गया है और यही कारण है कि लगातार इसकी वजह से सोना ऊपर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सोना इंडेक्स लगातार कारण है जो इंटरेस्ट है वो सोने की तरफ काफी कम हुआ है और अमेरिका के सरकारी बोन्स की यील्ड भी लगातार बढ़ती नजर आई है और वो अब 3% तक बढ़ चुकी है। तो अब जो सोना है वो एक सीमित दायरे में देखने को मिल रहा है और नीचे में $1860 तक $1860 से $1840 पर आकर सेल होने की उम्मीद है कि यहाँ पर मार्केट जो है स्टेबल हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल सोने की सपोर्ट जो है फैक्टर वो काम करते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर रिस्क बढ़ चुका है और जो एक्सपेक्टेड था कि दूसरी ट्रेन ग्रुप की वजह से सोने को एक डिमांड देखने को मिल रही है वो फिलहाल अब रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सारा खेल अब करेंसी का है। अगर डॉलर की थोड़ी तेजी रुकती है स्ट्रेंथ मिलता है तो सोने को सपोर्ट मिलता दिखाई दे सकता है, अदरवाइज सोना उसी सिरों पर फिसलता नजर आएगा। और अभी जो लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे में, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1840 के नीचे आज जैसे लुढ़क चुका है सपोर्ट एक्सपेक्टेड है कि 1840 तक सपोर्ट ले सकता था मार्केट, लेकिन 1835 तक आ चुका है तो $1820 से $1800 मैक्सिमम डाउनसाइड भी देखने को मिल सकता है जो कि फिर है कि आ सकती है। आगे चलकर अभी हम देखेंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डाटा भी आने हैं US से, उसके ऊपर भी नजर रहेगी तो प्राइस इंडेक्स काफी अहम रहेगा थर्सडे फ्राइडे और उसके बाद जो उसके क्या तय होगी के लिए $1820 से $1800 तक नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी देख रहे हैं कि आज WTI $101 पर है, ब्रेंट क्रूड ऑयल $104 पर। रूपा जी देख रहे हैं चाइना की तरफ से डिमांड कम है लेकिन मार्केट में इतनी सप्लाई भी अभी भी नहीं आई है जो कच्चे तेल में ज़्यादा गिरावट का कारण बने। फिर दूसरी ओर रशिया पर भी अभी प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन हो गया और रशिया भी कई देश पर प्रतिबंध लगा रहा है कि वो उन पर्टिकुलर देशों को अपनी कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई नहीं करेगा। तो फंडामेंटल्स तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वाले ही हैं, तो इस बीच अब क्रूड में कैसा ट्रेंड देखने को मिलेगा? देखिए क्रूड भी अब देखा जाए तो ट्रेंड जो है क्रूड का भी एक रेंज बाउंड है, अभी भी आप देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि $100 के नीचे अगर लुढ़कता है तो वहां से थोड़ा सा गिरावट आकर फिर $100 के ऊपर निकलती आनी चालू हो जाती है और आज भी हम देख रहे हैं कि $100 के अगेन ऊपर आ चुका है तो हल्की रिकवरी है। और देखिए फंडामेंटल तो अभी भी सपोर्टिव है नो डाउट, लेकिन अभी तेजी की तरफ ज्यादा दिखाई दे सकता है। इंट्राडे में आज एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 7880 और 7920 का लेवल इंट्राडे में देख सकता है और
$2 से लेकर $106 तक की तेजी आज WTI में देखने को मिल सकती है। जी रुपा जी, बेस मेटल्स की बात करें तो देख रहे हैं कि जब से चाइना लॉकडाउन में गया है और लॉकडाउन की स्थिति वहाँ पे और ज़्यादा गहराती जा रही है, तो बेस मेटल्स की भी जो प्राइसेस हैं उनमें भी नरमी आते हुए देखने को मिल रही है। तो आपको क्या लगता है, सिर्फ अकेले चाइना की वजह से ही बेस मेटल्स में इतनी नरमी आई है या फिर कुछ और फंडामेंटल्स भी हैं जिनमें जो नेगेटिव हुए हैं? देखिए, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है बेस मेटल्स का और वहाँ पर लॉकडाउन की स्थिति बनने की वजह से ही हमने देखा है कि बेस मेटल ऊपर स्तरों पर लुढ़के हैं और डिमांड जो है वो हैम्पर होती हुई नजर आई है, जिसकी वजह से बाजारों में उसी स्तरों पर बिकवाली देखने को मिली है। अदरवाइज हमने देखा कि जिंक अच्छा अपसाइड में गया था और उसके बाद से वहां से लगातार गिरावट की तरफ है, ऊपर भी आज तक के ऊपर सस्टेनेबिलिटी नहीं ले पाया और नीचे लगातार गिरता जा रहा है। तो अभी जो बाजार है वो डाउनसाइड में दिखाई दे रहा है। अगर चाइना में वापसी से स्थिति नॉर्मल होती है तो अगेन बेस मेटल्स की डिमांड पिकअप होती नजर आई है। शॉर्ट टर्म रैली है, शॉर्ट टर्म में करेक्शन है और ये करेक्शन थोड़ा सा बढ़ सकता है। जिस दिन हमें लगता है कि नीचे में 280 तक मैक्सिमम डाउनसाइड में जा सकता है और वहीं ऊपर की बात करें तो 720 से 700 के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जी ये सिर्फ जी नेचुरल गैस की बात करें तो कल को हमने नेचुरल गैस में नरमी बनते हुए देखी थी, $7 के नीचे थी, अब देख रहे हैं $7.50 के आसपास है, हालांकि अपने रिकॉर्ड हाई से नीचे गई है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आई है कि अब वेदर कंडीशन थोड़ी नरम पड़ी है और जो उसका आउटपुट है नेचुरल गैस का उसमें थोड़ी ही तेजी देखने को मिली है, तो आपको क्या लगता है क्या अब रिकॉर्ड हाई से नेचुरल गैस थोड़ी फिसलती नजर आएगी और ऐसे ही मिले जुले रुझान के साथ कारोबार हो जाएगा? देखिए, नेचुरल गैस नो डाउट ओवरबॉट जोन में है और प्राइसेस जो है अपने लाइफ टाइम हाई पर हम देख रहे हैं, तो अभी तो शॉर्ट टर्म रैली में अभी भी मार्केट तेज है और डोमेस्टिक मार्केट आज भी 3% के आसपास की तेजी में है। तो अभी जो रेंज दिखाई दे रही है वो 560-540 नीचे में, तो ऊपर में 600-620 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिले और आज एक्सपेक्ट किया जा सकता है की 585 से लेकर 592 तक ऊपर का स्तर देखने को मिल सकता है। जी रूपा जी, नॉन एग्री में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? आप देखिए, आज क्रूड में तेजी आ रही है तो आज क्रूड थोड़ा ऊपर जा सकता है, तो क्रूड में 40-50 की जैसे की अब तक मोमेंटम देखिए कि वहाँ पर करंट लेवल से क्रूड को बाई किया जा सकता है, 7800 लगाकर क्रूड में बाई पोजीशन बनाकर चला जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कमोडिटीज की।